गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर परेड बेहद खास होने वाली है। इस परेड में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो बिना पास के ही परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश चौहत्तर में गणतंत्र दिवस मना रहा, इसे लेकर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी दिल्ली को अभेद किले में बदल दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए, यहाँ पर पूरे रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये रास्ता सीधे लुटियंस जोन्स कर्तव्य पथ की ओर जाता है और अभी से ही इस रास्तों को बंद कर दिया गया। जितनी जो गाड़ियां यहाँ पर आ जा रही है, तमाम गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। अगर यहाँ से लोग जाते हैं तो उन्हें भी पूरी जांच पड़ताल के साथ ही आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो लोग कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए जाते हैं तो पूरी जांच के साथ आगे बढ़ते हैं, और कई ऐसे यहां पर लोग हैं जिनके पास पास नहीं है और उनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो यहां से जा नहीं सकते हैं। इसलिए तमाम ये लोग यहां पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि ये यहां से लोग वापस चले जाएं, लेकिन जब परेड यहां से निकलेगा उस दौरान तमाम लोग दूर से ही परेड को यहाँ पर देख पाएंगे और यही वजह है कि यहाँ पर आपको सुबह से ही लोगों का भीड़ जमावड़ा देखने को मिल रहा है और पूरे रास्ते को बैरिकेटिंग कर दिया गया है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। गणतंत्र दिवस की परेड देखने का क्रेज हर शख्स में है और इसीलिए जिनके पास पास नहीं है, जिनके पास इन्विटेशन नहीं है, वो भी लगातार अपने घरों से निकलकर उन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि जब झांकी निकलेगी तो एक नजर उसे देख पाएंगे। कई लोग हैं उनसे बात करते हैं, सुबह से ही आए हैं। आप बताइए कहां से आए हैं? सर, मैं बदरपुर से आया हूं और 4 बजे का चला हुआ हूं और 2.5-3 घंटे से पैदल पैदल चल रहे हैं हम लोग जी। बच्चे के साथ ही, पूरे फैमिली के साथ। और हमें भी सर बहुत बच्चों कल 1 महीने से खुशी थी जो 26 जनवरी देखने जाएंगे और सुबह ही निकलेंगे, तो बच्चे भाई खाना वाना भी नहीं खाए, सुबह से चल रहे हैं हम लोग सर। तो ये तो जानकारी है ना कि जो भी 26 जनवरी का परेड देखने जाता है उसे पास चाहिए होता है, ऑनलाइन पासेज है या टिकट लेना होता है, तो क्या आप लोगों ने लिया? नहीं नहीं सर, टिकट तो नहीं लिया, मगर अगले बार तो ऐसे देखने दिए थे फ्री। अच्छा, में ऐसी अगले बार फ्री में देखने को मिला। हाँ सर, मैं सर ये कह रहा हूँ कि बड़ी खुशी की बात है, रिपब्लिक डे इससे तो अनिवार्य है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है पास होता है या नहीं होता है, जो दूसरे राज्य से आया है उसके लिए कुछ तो एक व्यवस्था, हर एक 2018 में एक व्यवस्था दी गई थी जिसमें बिन पास वाले का भी एक एंट्री गेट दिया गया था, लेकिन आज तो वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसमें 40,000 से ज्यादा इसमें परिस्थितियों के उपस्थित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें भी और बढ़ाने की क्वांटिटी करता तो कुछ। लेकिन देखिए, सुरक्षा एक बड़ा कारण है और सुरक्षा कारणों से इस बार बिना पास के अलाउड नहीं किया गया। इनविटेशन खुद दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लोगों को, जो लोग वहां पर देखने जाएंगे बिना पास को अलाउ ही नहीं किया। क्या ये जानकारी आप लोगों को नहीं थी? सर, पहले से तो जानकारी था, लेकिन अब क्या करें सर, लेट हो गया तो नहीं कर पाया टिकट बुक। कितना क्रेज है आप लोग में ये बारे में भी बता दें सर। हाँ। इसके पास के बारे में 10 बजे से चालू खुलता था काउंटर, 10 बजे से 12 बजे तक टिकट मिलता था, उसके बाद ये होता था कि 12 बजे के बाद लाइन में लगे घूर के चले जाओ, टिकट का कोई पता नहीं है। वीआईपी ट्रीटमेंट ज्यादा होता है इसमें, वीआईपी ट्रीटमेंट कारण किसी को पास नहीं मिलता। इस बार वीआईपी टिकट को भी काफी कटौती किया गया, मैं जानता हूँ इस बात को लेकर, इस बार वीआईपी में काफी कटौती है, तमाम लोग हैं। आप लोग भी यहाँ पर हैं, कितना क्रेज है रिपब्लिक डे का परेड? सर, रात 3 बजे से आया हुआ हूँ मैं, अभी तक मुझे पता नहीं था कि पास के लिए एंट्री करनी है नहीं है, तो अभी ये दिक्कत हो गई है, क्या करें सर, पास तो मिल जानकारी नहीं थी। सर, व्लॉगर हूँ मैं, व्लॉग के लिए आया था मैं, स्पेशली पूरा सामान लेके आया हूँ अपना। अच्छा। 2 मोबाइल लेके आऊँ बैकअप के लिए। अच्छा। अब अंदर नहीं जा रहे, अब क्या करें, अब वापस जाना पड़ेगा। घर सुरक्षा कारण है, सुरक्षा कारणों से बिना पास के अलाउड नहीं है, तो ये आप देखिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा है और ये फिरोजा रोड, सिकंदरा रोड, मंडी हाउस, तमाम जगहों पर आप देखेंगे काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके हैं ताकि देखना चाहते थे देश की आन बान, वो झांकियां, अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकलती है, सेना के जवान जो अपना शौर्य दिखाते हैं, ये देखने की चाहत पूरे देशवासियों में है और इसलिए यहां पर पहुंचे हैं काफी नजदीक से देखने के लिए। लेकिन जब परेड कर्तव्य पथ से यहां से निकलेगा तो हो सकता है ये नजदीक से उस झांकी को देख सकेंगे, लेकिन एक मायूसी भी है इनके चेहरे पर,
जो चीज ये देखना चाहते थे, कईयों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर पास लगता है, लेकिन पिछले दो साल में चूंकि कोविड का टाइम था इसलिए जिनके पास पास नहीं था उन्हें भी इजाजत दी गई थी देखने के लिए, लेकिन इस बार काफी सख्ती की गई है और काफी संख्या में इन्विटेशन दिया गया उन तमाम लोगों को जो रिपब्लिक डे का परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।